जैसे मोदी जी सबके सबके लिए परिवार वही है सबके लिए मोदी जी। हम अपने आप को तो मोदी का परिवार ही मानते हैं और अपना मुखिया मोदी को मानते हैं, बस अपने इतना ही कहना है। मोदी जी हमारे साथ है, हम मोदी जी की परिवार ही है। या सोनिया गांधी सिर्फ राहुल गांधी को अपना परिवार मानती है, सोनिया गांधी सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परिवार मानती है, मोदी जी हर देश के कार्यकर्ताओं को अपना परिवार मानता है। नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज चैनल, देश का बेहतरीन न्यूज चैनल, और आपके लिए हम लाए हैं भारत के मन की बात, जो एक शो जिसके लिए हर कोई देशवासी चाहता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, वह मन की बात यानी उनके मन की बात हम जानने के लिए निकले हैं। और जाहिर सी बात आपको पता है देश में चुनाव का माहौल, चुनावी माहौल है, यानी लगातार हर जगहों पर चुनाव प्रचार जमकर किया जा रहा है हर पार्टियों द्वारा, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो कहीं कहीं काम करता हुआ दिखाई पड़ा विरोधियों के हिसाब से उन्हें लग रहा है, वह है मोदी का परिवार। जी हाँ, आपको लग रहा होगा मोदी का परिवार का मतलब है कि अब तो मोदी ने एक बड़ी मुहिम चला दी है कि उनका परिवार 140 करोड़ देशवासी हैं, लेकिन जो विरोधी पार्टी जो उनके लिए पर्सनल टिप्पणियाँ करते हैं, यानी परिवार का मतलब खून के रिश्ते की बात होती है कि उनके बच्चे होने चाहिए थे तब वह शायद परिवार माना जाता, ऐसी जो लोगों की सोच है, आखिरकार यह सोच आम जनता के बीच में क्या है? नेता तो कुछ भी उठपटांग बोल जाते हैं कई बार, लेकिन आम पब्लिक, आम जनता क्या सोचती है उनके बारे में, वह जानने के लिए आज भारत 24 महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में आया हुआ। चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है और इस चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में लोग, यहां की जनता है, आम पब्लिक है, इस बात को लेकर कितनी इत्तेफाक रखती है कि वह मोदी के परिवार के बारे में जो लगातार टिप्पणियां की जाती हैं वह किस तरीके से सही है या गलत है। बात हो रही वापस खून के रिश्ते की, बात मैं कर रहा हूं मोदी के परिवार की, खून की बात आती है, खून के रिश्ते की बात जो होती है जो विरोधी करते हैं, टारगेट करने के पीछे मकसद क्या, और आप एज ए पब्लिक क्या सोचती है, जो वोटर क्या सोचती है, आपके मन में क्या है? मोदी जी के बारे में बोले तो वो खून के बारे में ऐसा है क्या, खून का रिश्ता जो है उनका परिवार जो पब्लिक है उनको भी मानते हैं, ऐसे शादी नहीं हुई ऐसे भी नाम उनको लेते हैं कि शादी नहीं, उनको बच्चे नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता कि शादी हुई नहीं हुई, वो सबको पता है उनका क्या है, वो शादी है और सब, वो जनता को, आम जनता को वो अपना परिवार मानते हैं, उससे वो इतना बेहतर है ना, वो जनता के लिए कर रहे, अच्छा कर रहे, वो अपना परिवार समझ के ही पूरा काम कर रहे, जो जो उसको लाभ मिलना है वो लाभ दे रहे, वो अपने परिवार में दे रहे, और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल कि जनता जो पंडा परिवार समझ रहा है, आप क्या कहेंगी, क्योंकि जो एक परिवार की बात होती है कि शादी करो बच्चे पैदा करो, जो एक जो लोगों के मन में सोच है वो सोच के आधार पर उन्हें टारगेट किया जाता है, नरेंद्र मोदी को जब से वो पीएम बने हैं तब से लगातार टारगेट किया जाता है, आप क्या सोचती हैं जो वोटर, आपके मन में क्या है परिवार को लेकर? परिवार को लेकर जैसे मोदी जी सबके सबके लिए परिवार वही है सबके लिए मोदी जी, हाँ परिवार के लिए लोग ये बोलते हैं कि भाई मोदी जी के जो नाम रखते हैं लोगों को दिख रहा है मोदी जी क्या कर रहे हैं सब जनता को, हाँ ये है कि क्या परिवार के लिए सब सब परिवार के लिए मोदी जी सबको ये कर रहे, जैसे परिवार लेके चल रहे, सबको ले साथ में लेके चल रहे, यानी जो लोग बोलते हैं मोदी जी की जो ये करते हैं चुनना वो कुछ भी नहीं है, जो मोदी जी है जो आगे चल के भी वही करेंगे सब परिवार के लिए। आप अपने आप को मोदी का परिवार का हिस्सा मानती हैं आप भी? हाँ बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात हो क्योंकि महिलाओं से जरूरी शुरू करना था, परिवार की बात हो रही है, किस तरीके से परिवार मोदी का परिवार, चूंकि व्यक्तिगत सवाल स्पेसिफिक है कि व्यक्तिगत टिप्पणियां होती हैं, इसलिए मोदी ने एक बड़ा नारा दिया कि पूरा 140 करोड़ देशवासी हमारे परिवार हैं, आप कैसी इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, विरोधकों के पास जब कुछ कहने के लिए नहीं होता है ना तो ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियाँ की जाती है। जब हम स्कूली शिक्षा लेते हैं, हम सब जब स्कूल गए थे उसी समय पे हम एक एंथम बोला करते थे जिसमें बोला जाता था आई लव माय कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब हम छोटे थे तभी से हम पे इस देश ने, हमारी स्कूलों ने यह संस्कार डाला कि हम सब एक परिवार है, ये भारत देश जो यह धर्मनिरपेक्ष देश है, हम सब जाति धर्म के लोग जो है हम एक मेक से प्यार करते हैं, एक मेक का कल्चर फॉलो करते हैं और एक मेक से उतने ही प्यार से रहते हैं। और रही बात मोदी जी की, हम सब उनका परिवार है, इस ये 140 करोड़ की जो जनता है वो हमारे प्यारे पंत प्रधान मोदी जी से प्यार करते हैं और हम उनको आदर्श मानते हैं। उन्होंने जो इस देश के लिए कार्य किया है उस पे से वो सिद्ध करते हैं। इंग्लिश में एक
छोटी सी कहावत है जिसमें कहा जाता है योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। उसका कहना है कि जो मोदी जी कर रहे हैं उस पे से सिद्ध कर रहे हैं कि ये अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, और एक इंसान को जब अपने परिवार से प्यार होता है तो ये वो इतनी आत्मीयता से अपने परिवार की चिंता करता है। उसी तरीके से मोदी जी भी तो हम सब भारत बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक एक होता है कि उनको क्या आप जवाब देंगे जो विरोधी जिनके पास सिर्फ एक ही होता है कि वो मोदी के पर्सनल जिंदगी पर टिप्पणी करें और वह दिखाएं कि उनके पास परिवार नहीं इसलिए वो क्या विकास जैसा करेंगे। कैसा है, मैं अभी पहले ही कह चुका हूँ कि जब विरोधकों को कुछ कहने के लिए नहीं है तभी तो पर्सनल अटैक होगा। राजकारण में पर्सनल अटैक तभी होता है जब किसी के पास एक व्यक्ति के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं होता है। मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए हैं, उनके मुकाबले अगर उनको आपने उनके अच्छे कामों की बात पूछेंगे तो उनके चेहरे पे 12 बज जाएंगे। तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो किसी पे पर्सनल अटैक कर दो। जब हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तब हम कन्फ्यूज करने का काम करते हैं। विरोधक वो बिल्कुल ये लग रहा है कि विरोधी जो है वो कन्फ्यूज कर रहे हैं मोदी के परिवार के मुद्दे को लेकर। नहीं नहीं कन्फ्यूज कर रहे हैं, बात बराबर है, लेकिन आप इतिहास देख लो कि अब तक जो भी महापुरुष जो ऐतिहासिक पुरुष जो बने हुए हैं इनका ऐसे कई लोग हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, बाल बच्चे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं देश के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया हुआ है। और उसी तरह स्वाभाविक बात है कि जब हम आम जनता के लिए जब राजकारण और सामाजिक कार्य करते हैं तब हमको अपना परिवार जो है वो छोड़ना ही पड़ता है। तो वही मोदी जी कर रहे हैं और हम सब उनके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल नहीं, एक तो बात होती है लेकिन जानबूझकर अटैक करना यह दिखाना खून के रिश्ते वाली बात जानबूझकर होती है, यह कहां तक जायज है? यानी उस हिसाब से परिवार बिल्कुल छोड़कर जाएंगे और देश के विकास यह जो मन में मानसिकता है कि भाई अगर किसी का सपोज कुछ भी अगर परिवार नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है तो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम आज जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 40 लोग खड़े हैं और 38 लोग यह बोल रहे हैं कि मोदी हमारा परिवार है, तो स्वाभाविक बात है कि भैया मोदी हमारा परिवार है। बिल्कुल 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 परिवार है। आप क्या कहेंगे जो निजी टिप्पणियां की जाती हैं उसके हिसाब से क्या कहेंगे आप? क्या मोदी परिवार के हिसाब भी मानती है? हाँ मानती है। क्या कहेंगे आप जो पर्सनल टिप्पणियों पे? काम अच्छे करते हैं मोदी जी। बिल्कुल, और नारी शक्ति हैं, देश की आधी आबादी में आप लोग राज करते हैं। आप क्या कहेंगे किस तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो पर्सनल टिप्पणियां की जाती है शादी को लेकर, बच्चों को लेकर, कि उनका परिवार नहीं है, क्या कहेंगे आप? मैं निराधार के पैसे थोड़े से बढ़ाना चाहिए और बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ परिवार को लेकर। हाँ। परिवार आप मांगे मत करिए, मांगे तो बहुत भय आप लोगों के, कभी जिंदगी पूरी नहीं होगी। हाँ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मुद्दे की कि जो हम मोदी जी हमारे साथ हैं, हम मोदी जी की परिवारिज है, मगर हमारा भी कुछ ये बनता है कि हमारे हम जो काम धंधा नहीं है, हमारे बच्चे ऐसे अनाथ जैसे घूम रहे हैं, उनको भी थोड़ा काम धंधा लगाए और हमारी को भी, हम निराधार के लोग हैं। नहीं समझ गया बिल्कुल। क्या कहेंगे साहब, मोदी का परिवार को लेकर अटैक किया जाता है, यानी पर्सनल अटैक जो होता है, जो जिसको लेकर उन्होंने एक बड़ी मुहिम चला दी है, और आप कैसे देखते हैं इसको? मोदी जी जो है सभी भारतीयों को अपना परिवार मानते हैं। ऐसा नहीं कि जब सोनिया गांधी सिर्फ राहुल गांधी को अपना परिवार मानती है, सोनिया गांधी सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परिवार मानती है, मोदी जी हर देश के कार्यकर्ताओं को अपना परिवार मानता है। और मोदी जी ने परिवार के नाम पे बहुत कुछ किया हुआ है, हर गरीबों में उज्ज्वला गैस, ऐसे बहुत से मुद्दे गरीबों अपना परिवार समझ के मोदी जी ने काम किया हुआ है। और मोदी जी ही अपना परिवार बोल के सबको जीते करके आज मोदी जी इतने ऊपर पहुँचे हुए हैं। एक चाय वाला PM बनना ये बहुत बड़ी बात है, ये क्यों बना है? क्योंकि मोदी जी अपने सबको परिवार समझते हैं। आज चाय बेच के इतने बड़े पोस्ट पर बैठना, क्यों? उनका वर्चस्व ऐसा है कि उन्होंने हर आदमी को अपना परिवार समझा है और परिवार वाले उनको आगे कर रहे हैं। हम ये जो आता है कि उनको ब्लड रिलेशन वाली बात जो कहते हैं कि भाई शादी करो, बच्चे पैदा करो, जो एक उस भाषा में समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ, जानबूझकर इसे अटैक करना ये कहाँ तक जाएगा? आप उनको विरोधियों को क्या जवाब देंगे? हम विरोधी को ये जवाब दे रहे हैं कि परिवारवाद वो लोग करते हैं, मोदी जी नहीं करते। परिवारवाद, रिलेशनवाद उनका ही काम है, वो लोग राहुल गांधी को खड़ा करेंगे, प्रियंका गांधी को खड़ा करेंगे, मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी ने योगी जी को खड़ा किया है। जो परिवारवाद वाले रहते वो सिर्फ अपने लोग खड़ा करते, लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया हुआ है। मोदी जी ने सही करे, बिल्कुल सही करे, मोदी ने ऐसा नहीं किया है। आप क्या कहेंगे? कई सारे चुनाव देखे होंगे आपने, लेकिन चुनाव जब आता है कई पर्सनल अटैक शुरू हो जाते हैं, उस पर्सनल अटैक में निजी अटैक हो गया है, यानी कि मोदी की शादी को लेकर, तमाम बच्चे को लेकर बात होती है कि वह अपने परिवार नहीं संभाल पाए तो क्या वो देश संभालेंगे, जो ये बात होती है, इसलिए उन्होंने मोदी का परिवार शुरू किया है। आज भारत देश में 140 करोड़ जनता है, उसमें से 10 करोड़ भी छोड़ दिए तो भी 130 करोड़ जनता मोदी जी को मानती है, और मोदी जी भी पूरे 140 करोड़ जनता को अपना परिवार समझते हैं। और जो विपक्ष जो टिप्पणी कर रहे हैं उनके ऊपर, जो कि ये परिवारवाद ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन ये विपक्ष का काम नहीं है, विपक्ष ने भी सोचना चाहिए कि ये बराबर है क्या।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, विपक्ष काम नहीं है, बहुत अच्छा बड़ा इन्होंने कहा कि विपक्ष काम ये नहीं है कि पर्सनल अटैक करो। देश नायक विश्व गौरव जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार माना है, ना बल्कि पूरे विश्व को अपना परिवार माना है। अभिच वासुदेव कुटुंबकम एक बहुत बड़ा विश्व का एक फंक्शन हुआ है, उसके माध्यम से उन्होंने विश्व को भी वही संदेश दिया है कि विश्व भी एक परिवार है, और जो इंसान व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जीता नहीं, वो पूरे देश के लिए जीता है, वो इंसान इंसान नहीं, ये भगवान है। ये जीव सृष्टि में वो एक ही इंसान है जो सबके बारे में सोचता है, सबको नहीं क्या, सबके बारे में, बिल्कुल हर तबके के बारे में सोच रहा है, हर समाज के बारे में सोच रहा है। आज वहाँ से जो निर्णय हो रहे हो निचले स्तर पर आ रहे हैं, डायरेक्ट डिजिटल के माध्यम से आ रहे हैं, सभी क्षेत्र में उन्होंने अच्छा योगदान दिया है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, इसका मतलब लग रहा है कि जो विकास हो रहा है उसको लेकर और जानबूझ कर अटैक पर्सनल जिंदगी पर जाते हैं। नहीं, वही क्या होता है, जो विपक्ष है इन्होंने आज तक दूसरा कोई काम नहीं किया है, सिर्फ परिवारवाद का काम किया है, और वो वही सोचेंगे क्या परिवारवाद परिवार नहीं है, ये बिल्कुल नहीं, क्या एकदम निष्क्रिय काम हो जा रहा है विपक्ष के माध्यम से, क्या जो उनको व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही है, व्यक्तिगत लग रहा है बिल्कुल, लेकिन जो विपक्ष के पास कोई काम नहीं है इसलिए टिप्पणी करते हैं, आप क्या कहेंगे? मोदी के आगे किसी को भी टिकना मुश्किल है। ये जो विरोधी पार्टियाँ हैं इनके पास कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं रखा मोदी ने कि इनको बोलने का मौका दिया जाए। मोदी ने CAA लाना है, अभी NRC लाना है, और है किसी की हिम्मत जो कि 370 हटा के बता दे, वो मोदी ने किया है। और राम भगवान को ये लोग नहीं आने देना चाहते थे, वो मोदी ने लाया है। अब और दौर है श्री कृष्ण जन्मभूमि और बनारस के भोले बाबा, ये कार्य अभी होना बाकी है। हम 140 करोड़ जनसंख्या की ताकत से ये अवश्य बनेगा। बनेगा बिल्कुल, आपकी आपकी भावना है बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन बात हो रही है कि परिवार को लेकर, परिवार क्या लगता है आप भी मोदी के परिवार का हिस्सा है? जी हाँ, मैं भी हिस्सा हूँ, मेरा पूरा समाज हिस्सा है, पूरा दुनिया हिस्सा है, पूरा भारत देश मोदी परिवार का हिस्सा है। उन्हें क्या कहेंगे, जो आप तो हिस्सा मान रहे हैं, लेकिन जो लोग इस तरीके से विरोध करते हैं कि वो पर्सनल अटैक करते हैं, उनके बारे में क्या आप कह रहे हैं? अरे उनका तो धंधा ही है, जब से ये लोग पैदा हुए हैं जब से इनका विरोध करना ही इनका धंधा है, विरोध करना इनका धंधा है। क्या कहेंगे आप, चूंकि शक्ति रूपा हैं, किस तरीके देखती हैं, चूंकि पर्सनल अटैक होते हैं, विरोध करना जाहिर सी बात है इन्होंने कहा धंधा है, क्या मानती हैं आप? बोलने वाले तो 10 लोग बोलते, काम अपना है ना समझना, उनके बोलने पे थोड़ी महत्व देंगे, हम अभी आपको कुछ भी बोल देंगे कि आप मान लेंगे कि मैं ऐसा हूँ, ऐसी बात है। जो अन्नदान खाने को देंगे वही हमारा पिता है। नहीं, बहुत अच्छी बात कर रही है, लेकिन एक परिवार को लेकर जो बात होती है कि बच्चे शादी ये तमाम बातें जो की जाती है, विरोधी जो पार्टियां हैं इस करके विकास का की बात ना करके, विकास के मुद्दे पर ना घिरना, पर्सनल जिंदगी पर अटैक करना, कितना सही मानती है, गलत मानती है आप? नहीं, वो तो उनका गलत है बोलने वालों का, वो मोदी जी ऐसे गलत है ही नहीं तो कैसा उनको गलत बने, बोलने वाले को क्या है, हाथ नहीं पकड़ सकते ना मुंह पकड़ सकते उनका, ऐसा है ना? बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप क्या कहेंगे, जो कि जाहिर सी बात है बहुत अच्छी बात कही ना, हाथ पकड़ मुंह पकड़ सकते हैं, बोलने वाले कुछ भी बोलते रहते हैं। सर देखिए, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मोदी जी ने जो 15 सालों में जो 10 सालों में जो काम किया है देश के लिए, ये बहुत बहुत बड़ा काम है। उन्होंने आज शिक्षण को आगे लाया है, और गरीबों के लिए अनाज का उन्होंने सुविधा की है, और उसके बाद में 3 तलाकों पर उन्होंने काम किया है, और बहुत सा उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, और हमारा सबका वोट आज भी मोदी जी के साथ है। और लोग कहते हैं कि मोदी जी की शादी नहीं हुई है, ये नहीं हुई है, ये सब गलत बात है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहने के कारण वो पर्सनली अटैक करते हैं, लेकिन इन पर्सनली अटैक से कुछ होने वाला कुछ है नहीं। हम कल भी मोदी जी के साथ खड़े थे, आज भी मोदी जी के साथ खड़े हैं, और हमेशा हम मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोदी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। क्या कहेंगे, आप भी मोदी का परिवार मानते हैं, मोदी साथ खड़े रहेंगे? हम अपने आप को तो मोदी का परिवार ही मानते हैं, और अपना मुखिया मोदी को मानते हैं, बस अपने इतना ही कहना है। लेकिन ये जो मुद्दा आता है सामने बार बार कि मोदी का परिवार नहीं है, वो क्या परिवार संभाले नहीं उन्होंने, तो इस देश क्या संभालेंगे, इस पर क्या है? इतना बड़ा देश चला रहे, सबको सुविधा मिल रही है, तो और क्या होना चाहिए, मोदी परिवार ही मान के सबको सुविधा दे रहे हैं ना, कोई समाज कोई जात का कोई ये कोई उल्लेख ही नहीं उसमें, सबका विकास सबका साथ है, फिर मोदी सबका परिवार है और मोदी का हम परिवार है।
बिल्कुल हाँ। मोदी का आप क्या कहेंगे मोदी के परिवार को लेकर, आपके मोदी के परिवार का हिस्सा मानते हैं आप? हाँ हाँ सर मानता हूँ। हिस्सा मानते हैं, क्या करते हैं आप? मैं तो जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं तो यह हिस्सा मानते हैं। चूंकि शुरुआत हमने महिला से की थी तो आपसे ही बात करना जरूरी हो जाता है। जो लोग देखा हमने, बहुत लोगों से बात किया, आप भी उसमें से हैं, मोदी का परिवार आपका हिस्सा मानती हैं आप भी? जी हाँ, मैं मोदी का अपना हिस्सा मानती हूँ, अपना परिवार मानती हूँ। मोदी हमें सब आम जनता को भी परिवार मानते हैं। और दुश्मन को क्या है, जो दुश्मन है उनके उनकी शादी हुई मत हुई नहीं हुई वो उनका पर्सनल मामला है ना, उनका पर्सनल मामला है। क्या वो पर्सनल ले रहे उसकी शादी क्या है, किसकी शादी होती है या नहीं होती है, उनको क्या लेना देना है, उनका परिवार है, जो उनका परिवार वो संभाल रहे और आम जनता को भी संभाल रहे ना। दुश्मन को इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है क्या उनकी शादी है उनके बच्चे, अरे अपने बच्चे किसी की भी शादी होती है अगर छोड़ देते तो वो क्या परिवार उनका नहीं रहता क्या? वैसे मोदी का है, मोदी ने अपना परिवार तो अपना माना ही है, लेकिन आम जनता को भी, अपने बहन भगिनी को भी अपना परिवार माना है, सबको परिवार मानते हैं। उनका विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो वो अपना विकास में अपना परिवार मानते हैं। कोई ऐसे नहीं है क्या वो मोदी जी को नाराज है, आम दुश्मन का क्या है, वो तो कुछ भी बातें करते हैं। जो उनके लिए बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उनके लिए क्या कहेंगे, जवाब देंगे आप, कि जो लोग सिर्फ अपने ही ब्लड रिलेशन जिसको हम खून का रिश्ता बोलते हैं उन्हीं को मानते हैं परिवार, कि हमारा भाई वही परिवार है, और उस आधार पर ही तो लोगों को विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं वैसे नहीं, खून का ही है तो अपना परिवार मानते हैं ऐसा नहीं है। कैसे अपना खून का रिश्ता, खून से भी बढ़कर रिश्ते होते हैं, खून से भी गलत है वो कैसा है, खून का है इसलिए परिवार है। अपना भी मान, जो अपन अपने बहन मानते हैं उन, वो भी खून से भी ज़्यादा ही परिवार अपना होता है, फिर वो सबका परिवार है, वो अपना मानेंगी ना। दादाजी कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा सवाल ये है कि मोदी के परिवार को लेकर जो पर्सनल टिप्पणियां की जाती हैं कि शादी नहीं है या फिर परिवार संभाल नहीं पाए, देश क्या संभालेंगे, जो विरोधी विरोध करते हैं, उस बारे में आम जनता आपकी राय क्या है? मेरी राय यह है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेसी में सबको बोलने का अधिकार है। मोदी के परिवार के लिए, मोदी ये राष्ट्र के लिए राष्ट्र नेता है, उसके पर्सनल लेवल पे आम जनता को बोलने का अधिकार नहीं है। मैं आम जनता की नहीं बात हो रही है, जो आपको, चलो आप तो आप समझ रहे हैं, विरोधी मैं विरोधियों की बात कर रहा हूँ। देखो जनता तो नहीं बोलती, विरोधी बोलते हैं। विरोधी तो इसके अगेंस्ट में बोलेंगे ना मोदी के। मेरे को एक बात बताओ, अरविंद केजरीवाल भाई सही है तो अरविंद केजरीवाल 10 समंथ आते तक सोया क्यों जी? आज सरकार पे हमारे प्रॉब्लम क्या है? गरीब जनता का पेंशन तुमने बंद कर दिया, आमदार खासदार की पेंशन क्यों नहीं बंद कीजिए? क्यों तुम्हारे मतलब है? समझ सकता हूँ क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी है और यह राय है, और यही राय जानने के लिए हम आए हैं कि मोदी का जो परिवार को लेकर जो विरोधी यह कह रहे हैं कि किस तरीके से, यह कहीं कहीं अपनी अपनी राय है। अभी मैंने वक्तव्य जो दिया था कि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं और व्यक्तिगत जो टिप्पणी कर रही है ये बिल्कुल सही नहीं है। और जो परिवारवाद की बात चल रहे है, जब विश्व में सब अपना परिवार मान रहे हैं, देश को परिवार मान रहे हैं, वो इंसान साधारण हो सकता है क्या? आज अपन एक आदमी को अपना नहीं सकते कि एक परिवार को अपना नहीं सकते विरोधी पक्ष, वो तो विश्व के बारे में क्या सोचेंगे? विश्व के बारे में तो छोड़ो, चंद्रपुर जिले के बारे में जो विकास हुआ है हमारे सुधीर भाऊ के माध्यम से, परिवार जो कि कहते हैं ना खून के रिश्ते को परिवार मान लिया जाता है, क्योंकि उससे बड़ा रिश्ता होता है कि अगर खून के रिश्ते से आगे आप निकलो तो। नहीं देखो, खून का रिश्ता जो बोलते हैं वो तो एक परिवार से आता है, और मोदी जी का भी वो परिवार है जो खून का रिश्ता है, उनके भाई वगैरह है, लेकिन आज तक किसी ने अगर व्यक्तिगत अपना परिवार ये नहीं किया तो उनके जीवन का मकसद कुछ और होता है। हर इंसान मकसद कुछ और होता है, मकसद कुछ और होता है, इसलिए देश का विकास करने निकले हैं मोदी। परिवार को लेकर क्यों अटैक होता है फिर आपके हिसाब से मोदी का, जो पर्सनल परिवार की बात कर रहा हूँ मैं? परिवार को मिलना चाहिए वो सब मिल रहा, और भाई बहन को सबको सुविधा मिल रहा, औरत को ऐसे कुछ पढ़े लिखे नहीं है उनको भी अभी मशीन वगैरह सब दे रहे मोदी जी ने, और कॉलेज को लड़कियों को कॉलरशिप पर बढ़ गई है के? सब परिवार उनके साथ है। आप भी अपने मोदी का परिवार कैसा मानती हैं? हाँ,
समझ सकता हूँ मोदी जी आना चाहिए और यह लोगों की आम जनता की राय है। आप समझ सकते हैं देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, देखिए कि यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, यानी जो आम जनता है, आम जनता किस तरीके से लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं। उनसे हमने समझा कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। भारत के मन की बात में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मोदी का परिवार का जो एक बड़ा मुहिम लगातार मोदी ने खुद शुरू की है उसके लिए आखिरकार देश की जनता क्या कह रही है। आपने देखा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जब हम मौजूद हैं यहाँ पर, यहाँ की जनता तमाम अलग अलग अपने बयान रख रही है और साफ साफ कह रही विरोधी तो अपना काम विरोध करते रहेंगे, लेकिन देश में सच बात यह है विकास हो रहा है और परिवार से उठकर कोई अगर काम कर रहा है तो वह मोदी कर रहे हैं। वहाँ पर किसी खून के रिश्ते को बढ़ा नहीं रहे बल्कि जो भी अच्छे लोग हैं उनको बढ़ा रहे हैं और सबकी मदद कर रहे हैं। यह एक बड़ी बात है और यही कारण है कि जो लोग विरोध करते हैं उन्हें समझना चाहिए कि आखिरकार पर्सनल टिप्पणियों की बजाय वह कुछ अन्य राजनीतिक बयानबाजी जो होती है जो विकास को लेकर अन्य मुद्दे को लेकर करें तो ज़्यादा सही रहता है, यह जनता का मानना है। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, भारत 24 चंद्रपुर से।